हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बेटा हम लोग अकाउंटेंसी ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म उसी को कंटिन्यू करेंगे पिछली वीडियो में भी बेटा हमने उस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू किए थे और आज की क्लास में भी बेटा हम लोग उसी चैप्टर के कुछ और एम करेंगे तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास क्वेश्चन नंबर वन है फ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाई पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू ए बैलेंस शीट असट साइड बी बैलेंस शीट लाइबलिटी साइड सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी पार्टनर्स करंट अकाउंट तो इसमें जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन बी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड क्योंकि बेटा अगर पार्टनर ने फर्म को लोन या एडवांस दिया है तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है और फर्म को आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इसको पे करना पड़ेगा इसलिए इसे हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे चलते हैं बेटा आपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टू इज रेंट पेड टू अ पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन ए इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन बी इट इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन सी इट इज बोथ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑप्शन डी नन ऑफ द अबउ तो बेटा इसमें जो सही जवाब है इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी इट इज नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इट इज नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिकॉज रेंट पेड टू अ पार्टनर इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो फर्म को पहले पार्टनर्स को रेंट पे करना ही पड़ेगा बेटा तो इट इज ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑप्शन ए है फिक्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस ऑप्शन बी है करंट अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव बैलेंस ऑप्शन सी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव तो बेटा इसमें जो सही आंसर है वो सही आंसर है बेटा ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ़ द अबव क्योंकि इस केस में जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बेटा वो सभी ऑप्शन सही हैं ठीक है जैसे कि जो हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा क्योंकि उसमें केवल दो ही चीज़ें आती हैं एक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल दूसरा विड्रोन ऑफ कैपिटल ठीक है इसलिए इसका बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनर्स कभी भी सारा पैसा विड्रो नहीं करेंगे करंट अकाउंट हैव अब पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस ये भी बिल्कुल सही बात है बेटा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है इसलिए बेटा जो सही आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव अब चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कहता है विच अकाउंट आर ओपन वेन कैपिटल आर फिक्सड ऑप्शन ए है ओनली कैपिटल अकाउंट ऑप्शन बी है ओनली करंट अकाउंट ऑप्शन सी है कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट ऑप्शन डी है आइदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो इसमें जो सही जवाब है बेटा वो सही जवाब है ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट जब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं बेटा तो हमें वहाँ पर दो अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं पहले का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम है पार्टनर करंट अकाउंट चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन है विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग ऑप्शन ए है ओनली कैपिटल अकाउंट ऑप्शन बी है ओनली करंट अकाउंट ऑप्शन सी है कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट ऑप्शन डी है आइदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए ओनली कैपिटल अकाउंट ओनली कैपिटल अकाउंट क्योंकि बेटा जब हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मैथड यूज करते हैं तो पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में ही हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें अलग से कोई अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए वहाँ पर केवल एक ही अकाउंट बन जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट कैन बी ए डेबिट बैलेंस बी क्रेडिट बैलेंस सी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस डी नाइदर डेबिट नोर क्रेडिट बैलेंस तो इसमें जो सही जवाब है बेटा वो सही जवाब है ऑप्शन सी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मीन्स जो हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट है बेटा वो डेबिट बैलेंस भी दे सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी दे सकता है बेटा तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी और याद रखनी पड़ेगी तो बेटा अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑप्शन ए है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल ऑप्शन बी है सैलरीज ऑफ पार्टनर्स ऑप्शन सी है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबउ तो इसमें जो सही जवाब है बेटा सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबउ दैट इज ऑल ऑफ द अबउ जब हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं बेटा तो करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में पार्टनरशिप डीड के पार्टनर्स को लेके जितने भी प्रोविजन हैं जो पार्टनर्स को मिलना है वो सब हम करंट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं इसका मतलब ये सभी के सभी करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किए जाएंगे इसलिए हमारा सही आंसर है बेटा ऑप्शन डी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ विच आइटम इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑप्शन ए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल्स ऑप्शन बी सैलरीज ऑफ पार्टनर्स ऑप्शन सी एडिशनल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स और ऑप्शन डी नन ऑफ द अब तो इसमें जो सही जवाब है बेटा वह है आपका ऑप्शन सी एडिशनल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इन केस व्हेन वी आर यूजिंग फिक्स कैपिटल मेथड तब हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं और उसके साथ एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो जो एडिशनल कैपिटल है बेटा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाता है ना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट की साइड क्रेडिट साइड में इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है अब चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिक्स सैलरी पेबल टू पार्टनर्स विल बी रिकॉर्डेड ए ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी नन ऑफ द अब तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो होगा आपका नन ऑफ द अब नन ऑफ द अब क्योंकि जब हमारा फिक्स कैपिटल मैथड है बेटा तो उस टाइम पर पार्टनर्स को जो भी मिलना है जो भी पार्टनर्स को मिलने वाले प्रोविजन हैं, वो सब पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होते हैं और वो ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे बेटा नन ऑफ द अब ऑप्शन डी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट सी ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट डी ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट तो जो बेटा सही जवाब है सही जवाब है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मैथड है और फिक्स कैपिटल मैथड में पार्टनर्स को जो भी प्रोविजन मिलने हैं वो सब जाएंगे बेटा आपके करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लैक्चुएटिंग इन दैट केस फॉलोइंग आइटम्स विल अपे रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी सैलरी ऑफ पार्टनर्स सी कमीशन ऑफ पार्टनर्स डी ऑल ऑफ द अबाउ तो जो सही जवाब है बेटा सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ जब पार्टनर्स फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेगा तो जितने भी पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन हैं वो उन सब का ट्रीटमेंट बेटा कैपिटल अकाउंट में ही किया जाएगा तो ये सब वो कंपोनेंट्स हैं जो पार्टनर्स को मिलेंगे जो फर्म पार्टनर्स को देगी तो उनसे उनकी कैपिटल बढ़ेगी इसलिए वो सब कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किए जाएंगे चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन विच कैपिटल मेथड वी प्रिपेयर टू अकाउंट कौन से कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ऑप्शन ए है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ऑप्शन बी है फिक्स कैपिटल मेथड. ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज तो इसमें जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन बी फिक्स कैपिटल मेथड फिक्स कैपिटल मेथड जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज करती है तो उसमें हमें दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी नन ऑफ द अब तो इसमें जो सही जवाब है बेटा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्योंकि बेटा इन पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है एक नोमिनल अकाउंट होता है जिसकी डेबिट साइड में फर्म पार्टनर्स को जो भी कुछ देगी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड वो सब रिकॉर्ड होता है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड टू ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑप्शन सी इंटरेस्ट अकाउंट ऑप्शन डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसका मतलब ये भी है कि इस केस में हम लोग जो बात कर रहे हैं बेटा हम लोग बात कर रहे हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की तो उसमें एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स को जो भी कुछ फॉर्म देगी वो सब कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ए कैपिटल पेमेंट बी एक्सपेंसिज सी कैपिटल रिसीड्स डी इनकम तो जो हमारा सही ऑप्शन है बेटा वो है डी इनकम डी इनकम क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के लिए खर्चा है बट फम के लिए इनकम है पार्टनर्स के लिए खर्चा है बट फम के लिए इनकम है तो इसलिए यहां पर जो सही ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन नंबर डी इनकम तो फर्म के लिए ये इनकम है बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी डेबिटेड टू ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑप्शन सी पार्टनर्स करंट अकाउंट और ऑप्शन डी इंटरेस्ट अकाउंट तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी पार्टनर्स करंट अकाउंट इसका मतलब है कि इस केस में हम लोग बेटा फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है पार्टनर से चार्ज किया जाएगा इसलिए उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लोटिंग अब यहां फ्लोटिंग का मतलब है बेटा फ्लैक्चुएटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटर्न ऑफ ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑप्शन ए है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑप्शन बी है लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म ऑप्शन सी है पार्टनर शेयर्स इन द फर्म्स लोस ऑप्शन डी है सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर तो यहाँ पर जो सही आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी वो है आपका ऑप्शन डी दैट इज सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर्स ठीक है बेटा वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट फ्लेक्चुएटिंग मेथड है ठीक है तो यहां पे एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट और उसकी क्रेडिट साइड में वो सारे कंपोनेंट दिखाए जाएंगे जो पार्टनर्स को मिलते हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है बेटा व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटर्न इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑप्शन ए है पार्टनर्स ड्रॉइंग ऑप्शन बी है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन द फर्म ऑप्शन सी है लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म ऑप्शन डी है लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म तो इसमें बेटा जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी वो है ऑप्शन बी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन द फर्म इन फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में एडिशनल कैपिटल और डेबिट साइड में विड्रोन ऑफ कैपिटल केवल दो कंपोनेंट आते हैं तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जो कंपोनेंट है वो है बेटा ऑप्शन बी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन द फर्म अगला क्वेश्चन है बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग विल बी क्रेडिटेड टू ऑप्शन ए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑप्शन सी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑप्शन डी है नन ऑफ द अब तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है बेटा जो कि उसको पार्टनर से मिल रही है और पार्टनर से रिलेटेड सारे कंपोनेंट जो हैं एंड एल अप्रोप्रिएशन में शो किए जाते हैं अब क्योंकि फर्म के लिए इनकम है तो ये क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेचर नोमिनल अकाउंट है अगला क्वेश्चन है बेटा फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए कैपिटल पेमेंट बी कैपिटल रिसीड सी लॉस डी इनकम तो जो सही आंसर है बेटा वो है सी लोस वो है सी लोस ठीक है बेटा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म प्रोवाइड करती है पार्टनर्स को तो बेटा ये फर्म के लिए खर्चा है तो जो सही ऑप्शन है बेटा वो है सी लोस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है बेटा वेयर वी विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑप्शन ए है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएसन अकाउंट ऑप्शन बी है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएसन अकाउंट ऑप्शन सी है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन डी है डेबिट साइड ऑफ कैपिटल या करंट अकाउंट ओनली तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएसन अकाउंट क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएसन अकाउंट चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट ऑप्शन ए है बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड ऑप्शन बी है बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ऑप्शन सी है बाय ट्रांसफर टू करंट अकाउंट क्रेडिट साइड ऑप्शन डी है आइदर बी और सी तो इसमें बेटा जो सही जवाब है सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए अगर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में और फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट की डेबिट साइड में पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स को हम शो करते हैं बेटा ठीक है अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर हाउ मच टाइम्स ऑप्शन ए है वन मंथ ऑप्शन बी है थ्री मंथ ऑप्शन सी है सिक्स मंथ और ऑप्शन डी है ट्वेल्व मंथ तो इसमें सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी सिक्स मंथ देखिए ये वाला जो केस है बेटा ये बच्चों का बहुत क्वेश्चन को गलत करा देता है आप लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अगर केवल पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है और कोई डेट नहीं दिया हुआ है कोई डेट नहीं दिया है क्वेश्चन में तो उस केस में आप केवल सिक्स मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन इफ आप फिक्स अमाउंट इज अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फोर ब्लैंक्स मंथ ऑप्शन ए है सिक्स मंथ ऑप्शन बी है सिक्स एंड हाफ मंथ ऑप्शन सी है फाइव पॉइंट मंथ और ऑप्शन डी है ट्वेल्व मंथ तो इसमें जो सही जवाब है बेटा सही आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी सिक्स पॉइंट फाइव मंथ इसमें आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालना पड़ता है बेटा और एवरेज टाइम पीरियड जब आप निकालोगे तो आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट विदड्रॉन आपका कब हुआ है ठीक है जैसे फर्स्ट विड्रोन आपका फर्स्ट अप्रैल को होगा तो वो ट्वेल्व मंथ यूज होगा लास्ट विड्रोन आपका फर्स्ट मार्च को होगा तो वो वन मंथ यूज होगा उन दोनों का आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालना है ट्वेल्व प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ठीक है बेटा तो आपका आएगा सिक्स पॉइंट फाइव मंथ यानी ऑप्शन बी चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आपका अगला क्वेश्चन है बेटा इफ़ अ फिक्स अमाउंट इज विड्रोन बाय अ पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर द फिलिंद द ब्लैंक्स मंथ ऑप्शन ए है ट्वेल्व मंथ ऑप्शन बी है सिक्स पॉइंट फाइव मंथ ऑप्शन सी है फाइव पॉइंट फाइव मंथ और ऑप्शन डी है सिक्स मंथ तो इसमें करेक्ट आंसर है बेटा फाइव पॉइंट फाइव मंथ फाइव पॉइंट फाइव मंथ बिल्कुल वही लॉजिक लगेगा जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है इफ अ फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन बाय अ पार्टनर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर फ्लिंग द ब्लैंक्स मंथ ऑप्शन ए है ट्वेल्व मंथ ऑप्शन बी है सिक्स पॉइंट फाइव मंथ ऑप्शन सी है फाइव पॉइंट फाइव मंथ और ऑप्शन डी है सिक्स मंथ तो इसमें जो सही जवाब है बेटा वो है सिक्स मंथ ऑप्शन डी सिक्स मंथ ठीक है बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रोन बाय अ पार्टनर इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फॉर फिल इन द ब्लैंक्स मंथ ऑप्शन ए है टू पॉइंट फाइव मंथ्स ऑप्शन बी है थ्री मंथ्स ऑप्शन सी है थ्री पॉइंट फाइव मंथ्स और ऑप्शन डी है सिक्स मंथ तो इसमें जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी दैट इज थ्री पॉइंट फाइव मंथ दैट इज थ्री पॉइंट फाइव मंथ इन चारों क्वेश्चन में जो लास्ट चार क्वेश्चन है बेटा सेम लॉजिक लगेगा जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ इफ इक्वल अमाउंट इज विद्रॉन बाय अ पार्टनर इन मंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्ज फोर ठीक है बेटा ऑप्शन ए है सिक्स मंथ ऑप्शन बी है थ्री मंथ ऑप्शन सी है टू पॉइंट फाइव मंथ और ऑप्शन डी है थ्री पॉइंट फाइव मंथ ठीक है तो यहां पे बेटा आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा ऑप्शन बी दैट इज थ्री मंथ्स दैट इज थ्री मंथ्स इन केस अगर आप छह महीने तक लगातार सेम अमाउंट निकालते हो और आपको कोई भी डेट नहीं दे रखी है ठीक है बेटा तो आपको थ्री मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना पड़ेगा चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ तो अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है वेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय ऑप्शन ए पार्टनरशिप फर्म ऑप्शन बी ऑल द अदर पार्टनर्स ऑप्शन सी एनी इंडिविजुअल पार्टनर ऑप्शन डी पार्टनर विद हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेसो तो बेटा जो सही जवाब है इसमें वो है बेटा ऑप्शन बी ऑल द अदर पार्टनर्स अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी गई है और उस पर उसको लॉस आ रहा है गारंटी फुलफिल नहीं हो रही है तो जितना भी लॉस है बेटा उस पार्टनर के अलावा जितने दूसरे पार्टनर्स हैं वो सब उस लॉस को बियर करते हैं चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है बेटा गारंटी गिवन टू पार्टनर्स पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर बी एंड सी मीन्स ऑप्शन ए इन केस ऑफ लॉस

ऑल ऑफ द अबव अगर फम किसी पार्टनर को गारंटी देती है तो वो पार्टनर प्रॉफिट में हिस्से आ रहा है बेटा वो लॉस में शेयर नहीं करता है और जितना प्रॉफिट कम है ठीक है अगर प्रॉफिट कम है उसकी गारंटी फुलफिल नहीं हो रही है तो उसको मिनिमम प्रॉफिट तो तब भी मिलेगा ही मिलेगा और जितना शोर्ट है उसके मिनिमम प्रॉफिट में वो रिमेनिंग पार्टनर यानी इस क्वेश्चन में बी और सी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशों में शेयर करेंगे अनटिल अनलेस देर इज नोट एनी स्पेसिफिकेशन्स गिवन इन दैट क्वेश्चन इसलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब ठीक है बेटा तो आज की क्लास में केवल इतना ही मिलते हैं बेटा अपनी अगली क्लास में अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको हमारी बनाई हुई वी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अगर बेटा आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग अपना रीज़न ज़रूर दें कि आपको पसंद क्यों नहीं आ रही है ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके मिलते हैं बेटा अब अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए स्टे सेफ